अब जो इस समय हालात बने हैं, सांबा बार एसोसिएशन इस एजिटेशन से अपने आप को डिसोशिएट करती है। टोल पे बैठने की टाइम पे जो उनके इमोशंस थे, जो उनके सेंटीमेंट्स थे, और जब वो जेल से बाहर आते हैं, जब वो उनके सेंटीमेंट्स थे, वो इटसेल्फ दे स्पीक कि उनका ऊपर कोई सरकार की तरफ से, कोई एडमिनिस्ट्रेशन से कोई दबाव बनाया गया है जिसके चलते ये स्ट्राइक फिजल आउट की गई है। उनके लिए हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, सांबा मेन सांबा स्टैंड पे हमारे लोग अनशन पे भी बैठे, सिर्फ उनकी आवाज़ के लिए। सांबा को टोल पहले भी नहीं लगता था, सांबा को टोल अभी भी लगता है, लेकिन क्योंकि अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, इसलिए लोगों ने उनकी सपोर्ट में वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे। अलबत्ता अपने प्रेशर के चलते हुए वाईआरएस वालों ने अपना स्ट्राइक तो फिजल आउट किया, और लेकिन हमारे सांबा के लोगों को, हमारी सांबा की जनता को भी उन्होंने कहीं ना कहीं डिसीव किया है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट कल हमारी जम्मू डिवीजन में रिगार्डिंग सरोड टोल प्लाजा को हुई है, उसके रिगार्डिंग बार एसोसिएशन सांबा, जो इस एजिटेशन का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन के हमेशा साथ रही है, उसके फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन पे और जो कल का जो फैसला है उसकी समीक्षा करने पे हमने लोगों को अवेयर करने के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मैं आपके मीडियम से ये बताना चाहूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल वाईआरएस ने जो कॉल दी थी उसके रिगार्डिंग उन्होंने बार एसोसिएशन सांबा को अप्रोच किया था फॉर सीकिंग द सपोर्ट ऑफ सांबा बार, क्योंकि कॉज जेन्युइन था, लोगों को डायरेक्टली हिट करता था, उनकी जेन्युइन नीड्स के साथ तल्लक वास्ता रखता था, और एज इट इज़ स्लो टोल प्लाजा का वहाँ पे लगना, वहाँ पे टोल चार्ज करना कुछ इलीगैलिटीज़ में फॉल करता था, इसलिए बार एसोसिएशन ने ये फैसला लिया था कि सांबा बार इस एजिटेशन में इस कॉल को सपोर्ट करेगी। मैं बताना चाहूँगा कि सांबा बार एसोसिएशन ने लीगली, एथिकली, फिजिकली और प्रोफेशनली एक स्ट्रॉन्ग पिलर बनके इस एजिटेशन का पूरा शाना बिशाना साथ दिया है, और जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे हमारे वकील साहब, हमारी पूरी एसोसिएशन उनके साथ खड़ी रही है। उन लोगों को किस तरह से इलीगली डिटेन किया गया वाईआरएस से, उसके मतलब उनसे मिलना, उनको लीगल रेमेडीज देना, और यहाँ तक कि हमने ये बात पहले शेयर नहीं की, मैं आज आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि उनका वो इलीगल डिटेंशन को कंपिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज करना, वो अभी भी हमारा यहाँ पे लीगल कोर्ट में वो मैटर सब जूडिस है, वो सब बार एसोसिएशन टाइम टू टाइम करती आई है। अलबत्ता एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से जो एक माहौल बनाया गया, जो एक तरीका अपनाया गया इस टाइप को फिजल आउट करने के लिए, उसके खिलाफ बार एसोसिएशन खुलकर आज ये कहती है कि वो दैट वॉज नॉट एक्सेप्टेबल, वो लोगों को डिसीव करने के लिए एक सेल्फ प्लान्ड एक तैयार किया गया, एक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन जो पहले मम स्पेक्टेटर की तरह बैठी हुई थी, जब लोगों की डिमांड्स, लोग सड़कों पे थे, जम्मू जल रहा था, दे वर साइलेंट ऑन दैट टाइम, फिर एक दिन वो एकदम से बाहर आते हैं, फर्स्ट सितंबर की वो कॉल देते हैं, और सिर्फ 3-4 घंटे के लिए जब वो बंद करते हैं तो डिपकॉम सब, जब जम्मू पूरा जल रहा था, जब एवरी सिटीजन ऑफ द जम्मू वाज ऑन द रोड, तब वो बाहर नहीं आए, पर लेकिन उनके ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को उन्होंने 2-3 घंटे में मिलकर टाइम देकर उनके साथ नेगोशिएशन टेबल पर बैठ के जो बात की है। देखिए एक चीज़ हम क्लियर करेंगे, नेगोशिएशन टेबल हमेशा से ओपन रहता है, बीइंग लीगल फ्रेटर्निटी हम ये समझते हैं कि किसी भी मसले का हल नेगोशिएशन टेबल से होता है, पर वो किन हालातों में किया गया, किनको बुलाकर किया गया और किस नीति और किस नीयत से किया गया, वो एज इट इज़ सवालों के घेरे में है। 2 घंटे के बंद के बाद जब उनको वो आश्वासन देते हैं कि हम 5 दिन में 7 दिन में आपका ये टोल का मसला हल कर देंगे, वो एज इट इज़ जो उनका ऑफ़र है विदाउट स्पेसिफाइंग कि वो ऑफ़र दे क्या रहे हैं, वो 7 दिन के बाद 5 दिन के बाद लोगों को डिमांड्स के लिए दे क्या रहे हैं, डिरेसल के लिए दे क्या रहे हैं, वो एज इट इज़ सवालों के घेरे में है। बार एसोसिएशन सांबा जो आज तक इस एजिटेशन का एक अहम हिस्सा थी, उनके साथ खड़ी थी सपोर्ट में, आज इस फैसले से अपने आप को डिसोशिएट करती है, और आपके मीडियम से लोगों से ये एक रिक्वेस्ट करती है कि बीइंग सिविलाइज सिटीजन, बीइंग एजुकेटेड सिटीजन, बीइंग अवेयर सिटीजन, आप ज़रूर इस नेगोशिएशन को, इस रिज़ल्ट को स्क्रूटनाइज करें, और हर उस शख्स का रोल स्क्रूटनाइज करें कि उन्होंने कैसे लोगों को जम्मू सेंटीमेंट्स जगाए, डोगरा सेंटीमेंट्स जगाए, और बाद में कहीं ना कहीं उनको पीछे करके अपना अगर कोई पर्सनल मफाद आगे किया है उसके खिलाफ लोग पक्का, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि लोग आवाज़ उठाएँ। एज़ फार एज़ सांबा बार इज़ कंसर्न, हम ये क्लियर करते हैं कि अब जो इस समय हालात बने हैं, सांबा बार एसोसिएशन इस एजिटेशन से अपने आप को डिसोशिएट करती है। आप बताएं,
टोल पे बैठने की टाइम पे जो उनके इमोशंस थे, जो उनके सेंटीमेंट्स थे, और जब वो जेल से बाहर आते हैं, जब वो उनके सेंटीमेंट्स थे, वो इटसेल्फ दे स्पीक कि उनका ऊपर कोई सरकार की तरफ से, कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई दबाव बनाया गया है जिसके चलते ये स्ट्राइक फिजल आउट की गई है। उनके लिए हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में, सांबा मेन सांबा स्टैंड पे हमारे लोग अनशन पे भी बैठे सिर्फ उनकी आवाज़ के लिए। सांबा को टोल पहले भी नहीं लगता था, सांबा को टोल अभी भी लगता है, लेकिन क्योंकि अन्याय हो रहा था, इनजस्टिस हो रहा था, इसलिए लोगों ने उनकी सपोर्ट में वहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे भी बैठे। अलबत्ता अपने प्रेशर के चलते हुए वाईआरएस वालों ने अपना स्ट्राइक तो फिजल आउट किया, और लेकिन हमारे सांबा के लोगों को, हमारी सांबा की जनता को भी उन्होंने कहीं ना कहीं डिसीव किया है, जिसके लिए हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके इस एक्ट को स्क्रूटनाइज किया जाए और ये देखा जाए कि वो किस पर्सनल बेनिफिट से या किस बेनिफिट के कारण पीछे हट गए हैं, और कौन सा दबाव उन पर बनाया जा रहा है जिसके चलते ये स्ट्राइक फिजल आउट की जा रही है। एक जेन्युइन डिमांड थी लोगों की कि रोड नहीं है तो टोल नहीं है। कभी ये डिमांड नहीं आई कि हमने टोल नहीं देना है। लोग पब्लिक पॉलिसीज में विश्वास करते हैं, लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज में विश्वास करते हैं, लोग डेवलपमेंट में विश्वास करते हैं, बट डेवलपमेंट करके टोल लिया जाता है, चार्जेस लिए जाते हैं। ये पहली बार हम देख रहे हैं यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हुई है लेकिन लोगों से चार्जेस वसूल करना पहले ही स्टार्ट कर दिए गए। तो उसी के चलते ये एजिशन चल रही थी, जेन्युइन थी। अलबत्ता किसी दबाव में आके, किसी पर्सनल बेनिफिट्स में आके, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बहकावे में आके इसको फिजल आउट किया गया है। इसलिए आज एंटायर बार टीम जो है यहाँ पे आपके सामने बैठी है और बार एसोसिएशन सांबा ये अपना स्टैंड क्लियर करती है दैट वी आर नो मोर पार्ट ऑफ